नमस्कार, मैं हूँ रेनु भाटिया। आज की खास और बड़ी खबरों के लिए आपका स्वागत है न्यूज हब भारत में। बांदा में नगर पालिका के पिछले हिस्से पर समाजवादी पेंशन योजना की बैंक पासबुक भारी तादाद में मिलने के बाद नगर पालिका में हड़कंप मच गया। पासबुक पड़ी देख सपा कार्यकर्ता मूक दर्शक बने रहे। उसी दौरान तमाम सपा कार्यकर्ता भी वहीं पर खड़े रहे। आपको बता दें, आज समाजवादी पेंशन योजना की बैंक पासबुक भारी तादाद पर नगर पालिका परिषद के पिछले हिस्से में कचरे के ढेर पर पड़ी हुई थी, जिसको देखकर तमाम स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी संबंधित सपा के कार्यकर्ताओं को दी, लेकिन फिर भी सपा के कार्यकर्ता लापरवाह बने रहे और बैंक पासबुक मिलने के बाद विपक्षी पार्टियों का कहना है कि अभी हाल ही में संसद सत्र के दौरान मुलायम सिंह यादव ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दिया था, फिर से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। शायद यही वजह हो सकती है लोगों के आक्रोशित होने की, जो कि उन्होंने बैंक पासबुक को कचरे में फेंककर विरोध जताया है। समाजवादी पेंशन योजना के ये कार्ड है, ये नगर पालिका से पूर्व सरकार में वितरण करने का कार्य कराया गया था। ये हमारी पार्टी के, समाजवादी पार्टी के नगर पालिका अध्यक्ष की आंखों के तले ये कूड़े में डलवा दिए गए हैं। ये क्यों कराया गया है, आखिरकार कूड़े में क्यों फेंकवा दी गई है? अब ये मानसिकता कैसी है, अब इनको बताइए। हमारे महबूब ने, ये दलदमा शुसान है, मैं प्रदेश सचिव हूँ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का। क्या कुछ पढ़ा है, क्या देखे हैं आप? ये देखिए, जो अभी वीडियो और फोटो के माध्यम से आया है कि बांदा नगर पालिका में कचड़े के ढेर पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का, मुलायम सिंह यादव जी की जो योजना चली थी समाजवादी पेंशन, उसके तमाम जो है कागज पत्र और जो कॉपी होती है वो कचड़े के ढेर पर मिली है। इससे आभास होता है कि पूर्व मुख्यमंत्रियों की, ये बाप बेटों की जो करनी कथनी थी पिछली सरकार पर, वो आज कचड़े के ढेर पर मिलना कहीं ना कहीं उनके कार्य शैली पर जो है प्रश्न चिन्ह है। और अगर एक बात देखी जाए कि समाजवादी पार्टी के ही चेयरमैन हैं श्री मोहन साहू जी, और मुझे ऐसा लगता है कि मुलायम सिंह यादव जी ने जो संसद में आखिरी सत्र पर जो अपनी बात रखी थी कि मैं आशीर्वाद देना चाहता हूं 2019 में, मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बन करके इस देश पर काबिज हों, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसी सामग्रियों का पड़ा होना कहीं ना कहीं जो है चेयरमैन साहब का या समाजवादी पार्टी पूरी का कहीं ना कहीं जो है अपने पार्टी के नेतृत्व पर कहीं ना कहीं आक्रोश है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज हब भारत।